आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व के बारे में। आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसे ही उसका घनत्व कहते हैं। और घनत्व का जो SI मात्रक होता है वह किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अब बात ऐसी है कि किसी विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व हमेशा समान रहता है। अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक अभिलक्षणिक गुण होता है और भिन्न भिन्न पदार्थों का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पानी का घनत्व, तो पानी का घनत्व 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, जबकि सोना यानी गोल्ड का घनत्व 19300 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो किसी पदार्थ का घनत्व को हम लोग उस पदार्थ की शुद्धता की जांच करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है, आसान होता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि आपेक्षिक घनत्व जो है वह उस पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात होता है। जैसे अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे, इसका डिफिनेशन देना चाहेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना है, तो इसका मतलब हुआ कि सोना का घनत्व को हम लोग पानी के घनत्व से भाग दे देंगे और जो आएगा वही हो जाएगा सोना का आपेक्षिक घनत्व। और चूंकि आपेक्षिक घनत्व एक प्रकार के समान राशियों का ही अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसे विशेष रूप से याद रखेंगे कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।